कर दो, 2 मिनट में इंट्रोडक्शन दूंगा, अब चालू करो। ऑन है अभी? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट ग्रोथ हार्मोन। आई थिंक यू ऑल ऑफ नो अबाउट इट, सो वी विल बिगिन विद द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ओके, सो प्लांट ग्रोथ हार्मोन पढ़ने से पहले ग्रोथ क्या चीज है वो पढ़ना भी जरूरी है। इज इट, व्हाट इज ग्रोथ? आप लोग कैसे बोलोगे, एक प्लांट है आपके सामने और मैंने बोला कि ये ग्रो कर रहा है, हाउ यू आइडेंटिफाई इट? कैसे आइडेंटिफाई करोगे प्लांट ग्रो कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइज। साइज अगर रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो? इरिवर्सिबल होना चाहिए ना भाई। अगर रिवर्सिबल है साइज फिर क्या फायदा? तो आप इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो लेके चलोगे ग्रोथ को मेजर करने के लिए, पहला क्या है? इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। एंड अनदर वन इज इंक्रीज इन ड्राई वेट, विच इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो आप कोई भी प्लांट की अगर आपको ग्रोथ मेजर करनी है तो सबसे पहले आपने क्या मेजर करना है, एक तो उसका साइज में क्या इंक्रीज हो रहा है, दूसरा आपका उसका ड्राई वेट में क्या इंक्रीज है। ठीक है, सो बेसिकली डेफिनेशन पे स्टक रहते हैं। ग्रोथ इज कंफाइंड ओनली टू मेरिस्टेम। मेरिस्टेम जानते हो प्लांट के अंदर कौन सा पोर्शन होता है? हाँ, ये जो आपका एक प्लांट है सपोज टू बी, ये प्लांट के रूट्स हैं इस टाइप से, और ये आपका ऊपर का टॉप जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड शूट एपिक्स, या शूट एपिकल मेरिस्टेम या जो भी है। सेम वे में रूट के जो टिप पोर्शंस हैं उनको आप क्या बोलोगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, तो ग्रोथ इज कंफाइंड टू मेरिस्टेम ओनली। एक्सट्रीम एपिक्स यानी कि जो फादर मोस्ट होते हैं, जो सबसे दूर एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, उनको एक्सट्रीम एपिक्स ऑफ रूट एंड शूट्स ऑक्यूपाइड बाय प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब यहां पे ब्रांचेस भी आती हैं, आपने मालूम है, मालूम है ना? तो ब्रांचेस के अलावा ये तो हो गया आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस आपकी आ रही है वेयर एज ओल्डर पार्ट्स बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम, वेयर इट इज, मतलब आपका यहाँ प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया, जो भी ग्रोथ कन्फाइंड है वो यहाँ पे है, उसके अलावा जो बचा जो ओल्डर पोर्शन है वो क्या हो गया आपका? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब एक ग्रो प्लांट अगर आप उसका पूरा लाइफ साइकिल देखो, 0 डे मतलब सोइंग से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक, तो वो एक ग्रोथ फेज का या एक कर्व जो है, मैं उसको अभी बना के दिखाता हूं आपको, वो फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? 3 स्टेजेस मेन इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट की ग्रोथ फेज में या ग्रोथ कर्व में। पहला है लैग फेज, दूसरा है लॉग फेज, और तीसरा है एस फेज, जिसमें से जो लैग फेज है दैट इज स्लो ग्रोइंग स्टेज। जब आप सोइंग करो, सीड सोइंग करने के बाद में लगभग 10-15 दिन तक, उसके बाद में आप देखो कि वेजिटेटिव ग्रोथ रैपिडली ग्रो होती है ना, बहुत जल्दी रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। और वंस आपका फ्लावरिंग हो गया, फ्लावरिंग से फ्रूटिंग तक या मेच्योरिटी तक, अगेन जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाती है? थोड़ा सा ही इंक्रीज होता है या लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट ही इंक्रीज होती है। तो अगर आप एक ग्रोथ कर्व बनाओगे तो वो ग्रोथ कर्व किस टाइप का बनेगा? एस शेप्ड। कैसे बनेगा? एस शेप। इनिशियली ग्रोथ कैसा है? स्लो है। ठीक है, बाद में ग्रोथ कैसा? एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, और उसके बाद में ग्रोथ इस टाइप से थोड़ा सा स्टेबल। तो अगर आप इस स्टेज को देखो तो ये पहली वाली स्टेज हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज, ये आपकी सेकेंड स्टेज, और ये आपकी थर्ड स्टेज। ये आपकी हो गई यहां पे ग्रोथ, और यहां पे ये हो गया आपका टाइम। समझ गए? तो जो फर्स्ट फेज है यहां पे, ये हो गया आपका लैग फेज, दूसरा फेज हो गया आपका लॉग फेज, इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, यह लिखा है आप,
स्पीडी ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से ड्राई मैटर एक्यूमुलेट होता है प्लांट के अंदर, चेंजेस आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, एंड सडनली वंस फ्लावर आपका डेवलप हो गया उस प्लांट पे, फ्लावरिंग के बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में सीड बनना शुरू होगा, ग्रेन फिलिंग जो भी आप बोलते हो, उसके बाद सीड मैच्योरिटी शुरू होगी, और उसके बाद में क्या होगा, आपका जो भी हार्वेस्ट है, जो भी आपका इकोनॉमिक पार्ट है, आप उसको हार्वेस्ट कर लो, खत्म बात। तो ये याद रखना कि जो ग्रोथ फेजेस होती है वो किस शेप की होती है, एस कर्व शेप की होती है, तीन स्टेजेस होती हैं, लैग फेज, लॉग फेज, एस फेज। एस फेज को मतलब लॉग फेज को आप क्या बोलते हो, एक्सपोनेंशियल फेज ऑल्सो। ठीक है, आगे चले, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये वही सेम चीज है, एस शेप कर्व मैंने अभी आपको बता दिया, इसलिए इसको सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं। एस शेप होता है ना ये, ऐसा अभी हमने बनाया था ना, ये एस शेप है, इसलिए क्या सिग्मोइड कर्व भी बोल देते हैं। ठीक है, सिमिलरली व्हेन ड्राई वेट मेजर्ड एज इंडेक्स सेम एज एस शेप कर्व ऑब्टेंड। ठीक है, जब आप ड्राई वेट मेजर करते हो, आपने ग्रोथ नहीं देखना, मतलब प्लांट हाइट आप इंक्रीज साइज मत देखो, इंक्रीज इन ड्राई वेट, भूल गए मैंने अभी आपको पहले दो मेजरमेंट बताए थे, एक तो क्या इंक्रीज इन साइज और दूसरा इंक्रीज इन ड्राई वेट। तो जब आप ड्राई मैटर वेट में भी देखोगे, ड्राई मैटर के रेस्पॉन्स में या रेस्पेक्ट में देखोगे, तब भी सेम आपको एस फेज ही मिलेगा। इनिशियल स्टेजेस में ड्राई वेट कितना होगा, काफी कम होगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में जब वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम पीक लेवल पे होगा, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेट सिंथेसाइज किया जाएगा और उसे एक्यूमुलेट किया जाएगा इधर स्टेम में और लीफ में। ठीक है, बाद में वही स्टेम में जो आपका फूड, जिसको मैं फोटोसिंथेट बोलूं, वो एक्यूमुलेटेड है, जब फ्लावरिंग आ जाती है, सीड डेवलप होना शुरू होता है, वही फोटोसिंथेट ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेट पार्शनिंग फिजियोलॉजी में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आपको समझ आ गया एस फेस कर्व क्या है, सिग्मोइड कर्व क्या है, ग्रोथ क्या है, क्योंकि हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं आज, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर। तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, वी विल बिगिन विद द डेफिनेशन, होता क्या है प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो सबसे पहले प्लांट ग्रोथ हार्मोन की डेफिनेशन किसने दी थी, पिनकस एंड थीमेन। इनका बहुत ज्यादा फिजियोलॉजी में, स्पेशली ग्रोथ फिजियोलॉजी में बहुत ज्यादा काम है थीमेन का, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बट ही वर्क ट्रेमेंडसली। अब आगे बात करते हैं, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं बात कर रहा हूं रेगुलेटर्स की, तो क्या मैं प्लांट ग्रोथ जो प्रमोट करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बोल दूं, और दूसरा जो प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं, या प्लांट ग्रोथ रिटार्डर्स, तो क्या मैं इन दोनों को इंक्लूड कर सकता हूं रेगुलेटर्स में? बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। अभी मैं बात करूंगा, क्योंकि पांच हार्मोन की, हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट, पांच प्लांट हार्मोन है, उसमें तीन हार्मोन ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जबकि दो हार्मोन ऐसे होने वाले हैं जो ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। इसलिए यहां प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मैंने वर्ड यूज नहीं किया, बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर वर्ड यूज करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्लूड करता है बोथ थिंग्स, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी और प्लांट ग्रोथ रिटार्डर भी। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या हुआ, दोस कंटेन कार्बन। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर आप देखोगे किसी भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन की, अभी हम बात करेंगे आगे, आपको सब स्ट्रक्चर में कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक है नेचर में, उसके बाद में प्रोड्यूस नेचुरली होते हैं। हाँ, आजकल आपके पास सिंथेटिक फॉर्म्स भी है, आप मॉड्यूलेट करने के लिए फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हो, बट नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्लांट्स, कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। क्या क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मॉड्यूलेट करते हैं, कैसे प्लांट के अंदर ये चेंजेस लेके आते हैं, वी विल ऑल डिस्कस्ड अबाउट इन दिस चैप्टर। अनदर थिंग, ये कहां प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर नेचुरली, और काम कहां करते हैं, एट अ साइट अवे फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन, मतलब जहां प्रोड्यूस हुए हैं वहां भी काम करते हैं, और जनरली ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट के अंदर, इधर थ्रू जाइलम और फ्लोएम, और ये दूसरी साइट्स पे भी जाके काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ऑक्सिन कहां प्रोड्यूस होता है, शूट एपिक्स में या रूट एपिक्स में, एपिकल पोर्शंस में, लेकिन उसके आप फिजियोलॉजिकल फंक्शन पूरे प्लांट के किसी भी पार्ट में देख सकते हो। इज इट, सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर कि एट अ साइट अवे फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन एंड दे आर प्रोड्यूस इन वेरी माइन्यूट अमाउंट,
है ना, वेरी माइन्यूट अमाउंट. इवन दो अगर आप किसी भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन को लो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में भी अगर है, दैट इज सफिशियंट, सफिशियंट टू मॉड्यूलेट एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन. मैं आपको एक चीज पूछ लेता हूं, एक पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है, कैसे बनाओगे? परफेक्ट, 1 mg इन 1 लीटर, बन गया 1 ppm का सॉल्यूशन. आपने ऐसे 100 ppm का बना लो, 50 ppm का बना लो, जितने का बनाना है बना लो. ppm कॉन्सेंट्रेशन सफिशियंट है, उससे ज्यादा आप मिलीग्राम वगैरह, आई मीन ग्राम वगैरह कॉन्सेंट्रेशन मत लो. ठीक है, आगे बात करते हैं. अभी मैंने बात किया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कंसिस्ट बोथ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एज वेल एज प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट्स. ठीक है, या इनहिबिटर्स भी बोल सकते हो. तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो कि क्या प्रमोट करेंगे, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो प्रमोट करे, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, कोई भी सेल एनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, कुछ भी प्रमोट करे. ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन. और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन से, जो ग्रोथ को रिटार्ड करें, स्लो कर दें, या फिर कंप्लीटली इनिबिट कर दें. ठीक है, जैसे एब्सेसिक एसिड और आपका इथिलिन. ठीक है, अभी डिटेल में बात करेंगे आगे कि किस टाइप से ये अफेक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ को. चलो आगे चलते हैं. सबसे पहले बात करेंगे किसकी? ऑक्सिन की. द वेरी फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन, सबको पता है क्या? वेरी फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद में, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट एसोसिएटेड थे. अगर आप देखो तो एफ डब्ल्यू वेंट, पाल, उसके अलावा चार्ल्स डार्विन. सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी रखी थी किसकी? हार्मोन्स की. और उन्होंने हार्मोन्स को एक वर्ड दिया जिसको क्या बोलते थे? स्टिमुलस. वो उन्हें मालूम नहीं था, दे कांट कंक्लूड, बट दे कॉल्ड देम एज स्टिमुलस. और उनकी एक बहुत फेमस बुक है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स. ठीक है, उसके अंदर उन्होंने ये चीज मेंशन की. आफ्टर बॉयसन जेनसन एक्सपेरिमेंट, पॉल एक्सपेरिमेंट, फाइनली जो एफ डब्ल्यू वेंट हैं, एफ वेंट हैं, उन्होंने एक अवीना कोलिप्टाइल टिप एक्सपेरिमेंट किया और वहां से किसकी डिस्कवरी हुई? ऑक्सिन की. कुछ भी एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था. एक प्लांट लिया, उसको एक बॉक्स में कवर किया, कंप्लीटली सनलाइट नहीं आनी चाहिए, जीरो है. अब यहां पर उन्होंने एक छोटा सा होल कर दिया, मतलब होल में से क्या होने लगा? लाइट अंदर आने लगी. ठीक है, अभी जब उस प्लांट को एक डायरेक्शन से सनलाइट मिलने लगी तो प्लांट क्या होने लग गया? सनलाइट की तरफ बेंट होने लगा. इसीलिए क्या बोला? अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर भी बोलते हैं, कर्वेचर टेस्ट भी बोलते हैं. और जब आप ऑक्सिन का बायो ऐसे करते हो तब इस एक्सपेरिमेंट को या इस टेस्ट को क्या बोला जाता है? अवीना कर्वेचर टेस्ट. ठीक है, यहीं से उन्हें समझ आया कि मे बी प्लांट इज सिंथेसाइजिंग सम कंपाउंड जो क्या करता है, सनलाइट के रिस्पॉन्स में इसको बेंड करने के लिए मजबूर कर रहा है, जो भी है. अब बाद में जब एफ डब्ल्यू वेंट ने इसकी डिस्कवरी कर दी, इसको सबसे पहले कोगल और हैंगस्मिथ, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने आइसोलेट किया ह्यूमन यूरिन से एज वेल एज मेज के जो कॉर्न जम ऑयल है उससे. और इन्होंने नाम दे दिए क्या? ऑक्सिन ए और ऑक्सिन बी. ऑक्सिन ए एक्चुअली में केमिकल नेम दिया गया ऑक्सिन ट्रायोलिक एसिड. ऑक्सिन बी को क्या नाम दिया गया? ऑक्सिन अलॉइक एसिड. ठीक है, उसके बाद में थीमान जो मैंने अभी आपको बताए, उन्होंने राइजोपस फंगस से भी इसको आइसोलेट किया. ठीक है, सेम वे में अगर आप ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस देखो तो मैंने पहले बोला कहां पर होता है? प्लांट के टिप पोर्शन पे, है ना, शूट एपिक्स भी हो सकते हैं, रूट एपिक्स भी हो सकते हैं. ठीक है, यहां तक समझ आया? चलो आगे चलते हैं. अब बायोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं. ऑक्सिन बायोसिंथेसिस कैसे होता है? आप सबको शायद ये चीज कॉमनली पता होगी कि एक अमीनो एसिड ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है जिसका नाम क्या है? ट्रिप्टोफेन. लेकिन प्लांट्स के अंदर ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे चार टाइप के होते हैं. ठीक है, पहला बैक्टीरियल पाथवे जो जनरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और एग्रोबैक्टीरियम रेजोजेनिस, ये पढ़े हैं आप लोगों ने, गॉल फॉर्मेशन करते हैं, है ना, उन बैक्टीरियाज के अंदर आपको ये वाला पाथवे देखने को मिलेगा. ठीक
कौन सा वाला? बैक्टीरियल पाथवे। उसके बाद आता है इंडोल पाइरुविक एसिड पाथवे, उसके बाद में आता है ट्रिप्टामाइन पाथवे, उसके बाद में इंडोल एसिटोनाइट्राइल पाथवे। ये चारों ही पाथवे ऑक्सीजन का सिंथेसिस करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं? ट्रिप्टोफेन का। ठीक है, ट्रिप्टोफेन इनके लिए एसेंशियल है। बट इन सम केसेस जब ट्रिप्टोफेन अवेलेबल नहीं है कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में, वहां पर क्या यूज होता है आईए को सिंथेसाइज करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो दोनों टाइप के पाथवे होते हैं, दोनों टाइप के पॉसिबिलिटी है कि विदाउट ट्रिप्टोफेन एंड विद ट्रिप्टोफेन, दोनों ही तरीके से ऑक्सीजन क्या हो सकता है? बायोसिंथेसाइज हो सकता है। एक एसेंशियल चीज, जब ट्रिप्टोफेन की मदद से ऑक्सीजन सिंथेसाइज होगा तब जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका यूज होता है। ठीक है, अलोंग विद जिंक ट्रिप्टोफेन सिंथेसाइज IAA, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। ठीक है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, आगे चलें। हाँ, अभी ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स के अंदर? ठीक है, आप अभी मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन कहां सिंथेसाइज हो रहा है? एपिक्स पोर्शन पे, है ना, इधर इट इज शूट एपिक्स और रूट एपिक्स। तो मान लीजिए आपका एक प्लांट है, मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है, ये यहां पे रूट एपिक्स है ये पोर्शन पे, और ये आपके हो गए क्या? शूट एपिक्स। अब जो ऑक्सीजन यहां सिंथेसाइज हो रहा है वो किस तरफ आएगा? बेस की तरफ ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि उसको पूरे प्लांट पे अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को फॉलो करना है, आएगा तो किस तरफ? नीचे की तरफ। इसलिए मूवमेंट को बोलते हैं पोलार मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पोलार मूवमेंट। सेम वे में ये किस तरफ मूव कर रहा है? बेस की तरफ। तो इसको क्या बोलेंगे? बेसिपिटल। क्या बोलेंगे? बेसिपिटल। अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जो रूट में ऑक्सीजन यहां एपिक्स पोर्शन पे सिंथेसाइज हो रहा है वो कहां मूव करेगा? वो ऊपर की तरफ, उससे भी बेस की तरफ जाना है, क्योंकि मूवमेंट कैसी है? पोलार मूवमेंट टवर्ड्स द बेस। किस तरफ? इस तरफ। हां, लेकिन इस मूवमेंट को आप क्या बोलेंगे? एक्रोपिटल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, यहां मैंने लिख दिया है कि हाँ, बोथ आई मीन शूट एपिक्स में भी और रूट एपिक्स में भी दोनों जगह ही ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है, बट अगर आप रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन देखो तो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। हर प्लांट पार्ट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। और अगर आप एक कंपेरिजन करके देखना चाहो किस किस में, कि रूट में और शूट में कि ऑक्सीजन का रेशो क्या रहता होगा, तो ये रेशो रहता है ऑलमोस्ट 3:1 का। कितना? 3:1। अगर तीन पार्ट ऑक्सीजन यहां शूट में बन रहा है तो एक पार्ट रूट में बनेगा। ये कोलियस में जनरली डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, कोलियस प्लांट का नाम है, साइंटिस्ट का नहीं, बी रिमेंबर। सो सिंथेसाइज इन ग्रोइंग टिप और मेरिस्टमेटिक पार्ट, सो हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन दिस रीजन ओनली। Is it okay? Now root tips and leaves contain higher amount, but the root tip contain lesser concentration than the shoot tip, and the ratio is 3:1. ठीक है? Polar transport क्या है? समझ आ गया? Towards the base, polar movement, और acropital और basipital movement क्या है? वो भी आपको समझ आ गया? चलो, ये बात यहीं पे है, वही सेम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रीडोमिनेंटली पोलार, इन स्टेम द पोलार ट्रांसपोर्ट इज बेसिपिटल, एंड इन रूट्स द ट्रांसपोर्ट इज एक्रोपिटल। द पोलार ट्रांसपोर्ट, अब बात ये आती है कि आप पोलार ट्रांसपोर्ट हम जनरली क्या पढ़ते हैं डिफ्यूजन में? डिफ्यूजन में क्या पढ़ते हो आप लोग? किसी भी चीज का, किसी भी कंपाउंड का, सब्सटेंस का अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, दैट इज द डिफ्यूजन। तो क्या ऑक्सीजन के केस में भी ऐसा ही होता है? क्योंकि अगर आप देखो तो इस पोर्शन में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहां ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या यह डिफ्यूजन के थ्रू पॉसिबल है? नहीं, वो दोनों तरीके से पॉसिबल है। इसलिए मैंने लिखा द पोलार ट्रांसपोर्ट इज नॉट सिंपल डिफ्यूजन बट इट इन्वॉल्व एक्टिव सेल्स एंड सो टेक्स प्लेस अगेंस्ट इवन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट समटाइम्स। जब आप इसके लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे जो कीमोस्मोटिक मॉडल है, मतलब
कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस टाइप से होता है, तब आपको वहां देखने को मिलेगा कि डिफ्यूजन के साथ साथ बहुत सारे एक्टिव पंप्स और कैरियर्स भी काम करते हैं। जैसे प्रोटीन के इफ्लक्स, जब सेल से सॉरी ऑक्सीजन को जब सेल से बाहर निकालना है तो कौन से प्रोटीन्स करके काम करते हैं, और अगर इन्फ्लक्स करना है तो AUX1 करके एक ट्रांसपोर्टर होते हैं। वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल में जाना, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो पोलार मूवमेंट है वो एक क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, कीमो ऑस्मेटिक मॉडल फॉर पोलार ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये मैंने आपको एक याद रखने के लिए यहां पर बता दिया है। ठीक है, चलो अब आगे चलें। हाँ, अब ऑक्सीजन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्लांट के अंदर, तो दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री फॉर्म और एक्टिव फॉर्म, बाउंडेड फॉर्म सॉरी। अच्छा, ऑक्सीजन में अब बोल रहा हूं अगर आपको, तो आप इसे क्या समझ रहे हैं, याद रखिए ऑक्सीजन जनरली किसे बोला जाता है प्लांट के अंदर, इसे। ठीक है, आप कोई और चीज याद मत रखिए, IBA और ये सब, ऑक्सीजन नहीं बोलते कभी भी, ऑक्सीजन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट केमिकल, दोज हैव एक्टिविटी सिमिलर टू ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन्स बोलते हैं। और जनरली अगर आपको प्लांट के अंदर कंसिडर करना है या मोस्ट एक्टिव फॉर्म को कंसिडर करना है तो वो कौन सी है, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, सबने मालूम है ना। चलो अब आगे चलते हैं, तो ये IAA किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है प्लांट सेल के अंदर, बोथ फॉर्म में, फ्री फॉर्म में भी और बाउंडेड फॉर्म में भी। लेकिन एक्टिव कब होता है, जब वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, अगर बाउंडेड फॉर्म में है तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो काम नहीं करेगा, वो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में कोई पार्ट नहीं ले पाएगा। कैसे होता है बाउंडेड फॉर्म में, इधर इट मेक इट फाउंड इन बाउंडेड फॉर्म विद कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज, ग्लूकोज में अर्बिनोज हो सकते हैं, शुगर एल्कोहल्स हो सकते हैं, बहुत सारे साथ में प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, ये सब के साथ में क्या करता है ऑक्सीजन बाउंडेड फॉर्म में रहता है। और एक्टिव कब होता है, जब फ्री फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, चलो यहां तक आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन बन तो गया लेकिन उसे डिस्ट्रॉय भी करना है ना। अब कैसे डिस्ट्रक्शन होता है, जो चीफ मेथड है ऑक्सीजन के डिस्ट्रक्शन का, जो चीफ मेथड है ऑक्सीजन के डिस्ट्रक्शन का वो क्या है, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियसली ऑक्सीजन, समझ आ गया ना। तो प्रेजेंस और एंजाइम कौन सा काम करेगा, सेम है, सिंपल है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, IAA का हो रहा है, एंजाइम का नाम ऑक्सीडेज और मे बी परऑक्सीडेज। ठीक है, ऑल्सो इस एंजाइम के अलावा जब तेज लाइट आती है, बहुत इंटेंसिटी की लाइट आती है, तब भी ऑक्सीजन डिस्ट्रक्ट हो, ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है या इनएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, द लाइट काउज इनएक्टिवेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ IAA, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन। क्योंकि किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फोटो एक्टिव ऑक्सीडेशन। और मैं एक थोड़ा आपको बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन के टाइम पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन के टाइम पे ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है कौन सा, COOH ग्रुप, इसमें से ये COO एज अ CO2 लॉस हो जाता है। जैसे ये लॉस हुआ, ये IAA अपनी एक्टिविटी लूज कर देता है, खत्म। ठीक है, अब ये वो फंक्शन रोल प्ले नहीं कर पाएगा जिसके लिए इसे स्टोर करके रखा था या फिर सिंथेसाइज किया गया था। चलो अब आगे चलते हैं, अब आ गए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहला फंक्शन क्या समझते हैं आप लोग एपिकल डोमिनेंसी से, एपिकल पोर्शन का लेटरल पोर्शन के ऊपर डोमिनेंट होना, समझ गए सीधी सी बात। जब तक ऑक्सीजन है प्लांट में, कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, आपने मालूम है टिप पोर्शन में, जब तक वो सिंथेसाइज होता रहेगा वो क्या करेगा, लेटरल पोर्शन की ग्रोथ को इनिबिट करता रहेगा, वो लेटरल पोर्शंस को ग्रो नहीं होने देगा। इसलिए आपने देखा होगा गार्डनर्स जो होते हैं, माली लोग, वो क्या करते हैं, डेंस करने के लिए प्लांट को उसकी टिप्स को रिमूव कर देते हैं। एक बार टिप रिमूव हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन गायब, जीरो। और फिर जैसे ही ऑक्सीजन गया वो लेटरल पोर्शन की ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, इसलिए डेंस वगैरह बनाने के लिए, नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज करने के लिए जनरली निपिंग की जाती है, उसको निपिंग बोलते हैं ना उस पोर्शन। या दूसरा क्या काम है, सेल इलोंगेशन एंड वॉल रिलैक्सेशन। ऑक्सीजन सेल इलोंगेशन भी करता है, जिब्रेलिन भी सेल इलोंगेशन करता है, सेल डिविजन ऑक्सीजन भी कर देता है और साइटोकाइनिन भी करता है। ठीक है, फिर अगर ऑप्शन में आ गया तो कौन सा लगाना है आपने,
हाँ, जो एक हर एक हार्मोन का एक एक्सक्लूसिव एसोसिएटेड फंक्शन है, वो उसी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं सेल इलोंगेशन एंड वॉल रिलैक्सेशन। तो जो ऑक्सिन है वो सेल रिलैक्सेशन का मतलब वही है, इलोंगेट करना। इलोंगेशन कैसे होता है? जब सेल वॉल रिलैक्स होती है। और इसके लिए एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, हिसाब से भी आप पढ़ लो इसको, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सिंपल है, कुछ नहीं है। ऑक्सिन क्या करता है? एच प्लस आयन, मालूम है ना, एच प्लस आयन एसिड से रिलेट करते हैं ना, एच प्लस आयन को आप। तो ऑक्सिन क्या करता है? एच प्लस आयन की इनटेक को या कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है। जैसे ही एसिडिक नेचर होता है, सेल वॉल रिलैक्स होने लगती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेल डिफरेंशिएशन, प्रमोट डिफरेंशिएशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। समझ आ गया? बहुत सिंपल है, जाइलम और फ्लोएम आप सबको मालूम है। जाइलम किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और फ्लोएम फूड मटेरियल। ठीक है, स्टिमुलेट रूट इनिशिएशन, स्टिमुलेट रूट इनिशिएशन। बट इंटरेस्टिंगली, इफ यू कीप द कॉन्सेंट्रेशन नॉट मोर देन 10^-5 मोलार, कितना? इतना, तब तक ये ऑक्सीजन क्या करेगा? रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। लेकिन एक बार आप चले गए 10^-9 मोलार कॉन्सेंट्रेशन या इससे बियॉन्ड आगे, तो ऑक्सीजन क्या करने लगता है? रूट ग्रोथ को इनिबिट करने लगता है। बहुत ड्रामेटिक रोल है ना। अभी आगे आपको और बताऊंगा तो रूट ग्रोथ में तो और आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो लेटरल रूट है या एडवेंशियस रूट फॉर्मेशन है, ये प्रमोट करता है लेकिन एट लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ऑक्सीजन क्या करने लगता है? रूट ग्रोथ को इनिबिट करने लगता है। ठीक है, इनिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ, यही लिखा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनिबिट रूट इलोंगेशन। ठीक है, चलो और दो आ गए हमारे पास। ये क्या है? प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशियन। अभी ये प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग में आपको आपको बहुत बताऊंगा आगे, कौन से ऑक्सीजन को स्प्रे किया जाता है। जनरली आपके Na2,4-D, 2,4-5-D, इन तीनों को स्प्रे करते हैं फ्लावरिंग नंबर बढ़ाने के लिए, फ्रूट थिनिंग के लिए, फ्रूट साइज इंक्रीज करने के लिए, फ्रूट नंबर बढ़ाने के लिए, इन तीनों डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता है। साथ में एब्सेशियन को प्रिवेंट करता है। एब्सेशियन मतलब क्या होता है? जब प्लांट की एक मान लो लीफ है, उसका एज कंप्लीट हो गया, तो सबसे पहले क्या होता है? जब वो लीफ गिरने वाली है, डिटेचमेंट होने वाला है, उससे सारे न्यूट्रिएंट प्लांट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है? जैसे आपकी एक लीफ है मान लो यहां पे, ठीक है, इस लीफ में यहां पे ये पिटियोल बोलते हैं ना इसको, जहां से लीफ अटैच होती है। एक मिनट, हाँ, ये आपकी जैसे लीफ है, ठीक है, इस पोर्शन को आप क्या बोलोगे? ये पोर्शन को इसको पिटियोल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक एब्सेशियल लेयर बनती है। एब्सेशियल लेयर का मतलब डेड टिश्यूज की एक लेयर बनती है। जैसे ही वो डेड टिश्यूज की लेयर बनने लगती है, धीरे धीरे लीफ डिटैच होकर नीचे गिर जाती है, इसी लेयर को एब्सेशियल लेयर बोला जाता है। ठीक है, इट इज नथिंग बट अ लेयर ऑफ डेड टिश्यूज। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? एब्सेशियल लेयर के फॉर्मेशन को या एब्सेशियन को प्रिवेंट करके रखता है, होने नहीं देता। ठीक है, साथ में पार्थेनोकार्पी फूट डेवलपमेंट जो कि पॉसिबल है, कब? जब एक IAA प्लस लेनोलिन पेस्ट आप अप्लाई करो, किस पे? फ्रूट की स्टिग्मा पे। जनरली ऐसा है, बट आप नॉर्मली भी अप्लाई करो तो पॉसिबल है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट ऑक्सिन भी प्रमोट करता है। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं बहुत सारे जो भी मतलब आप डिफरेंट बुक पढ़ो, डिफरेंट नोट्स पढ़ो, आपको बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस मिलते हैं, है ना। मतलब लगता है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लोग सब पढ़ लेते हैं, बट मैंने कोशिश किया है कि जो मोस्ट एसोसिएटेड या मोस्ट रेलिवेंट है, मैं वही आपको यहां पे इंफॉर्मेशन दूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अब आगे है ग्रेवियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म की मूवमेंट को भी कंट्रोल करना। ग्रेवियोट्रॉपिज्म समझते हो? ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में अगर कोई ग्रोथ है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेवियोट्रॉपिज्म। और अगर फोटो आई मीन लाइट के रेस्पॉन्स में कोई ग्रोथ है तो उसको क्या बोलते हैं? तो रूट क्या होती है? रूट कौन सी ग्रोथ करेगी? ग्रेवियोट्रॉपिज्म। और शूट पोर्शन कौन सी ग्रोथ करेगा? फोटोट्रॉपिज्म ऑब्वियसली। नाउ इट कमिंग टू अनदर पॉइंट, इट प्रमोट फ्लावरिंग इन प्लांट लाइक पाइनएप्पल। ठीक है, ऑल्सो एक और बात याद रखो कि जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स में फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन को क्या करता है? इंड्यूस करता है, प्रमोट करता है। किसके? कौन से? फीमेल। जिब्रेलिक एसिड उल्टा मेलनेस को प्रमोट करता है। इथिलीन
फिर से फीमेलनेस को प्रमोट करता है. सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. अब रूटिंग, आप कटिंग्स वगैरह कभी देखें, कटिंग्स लगाते हैं, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, डिफरेंट कटिंग्स, तो उस पर क्या करते हैं, रूटिंग को प्रमोट करने के लिए एक पेस्ट अप्लाई करते हैं. दैट इज नथिंग बट IBA ओनली, इंडोल 3-ब्यूटेरिक एसिड. कमर्शियली मार्केट में सेरेडिक्स के नाम से मिलता है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है. ठीक है, सो हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, IBA रूटिंग हार्मोन सेरेडिक्स. ठीक है, इसलिए IBA को रूटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं. द रूटिंग हार्मोन इज, दैट इज IBA. कई बार ट्रेड नेम यानी कि जो मार्केट में अवेलेबल है उसको सेरेडिक्स नाम से भी पूछ लेते हैं. ठीक है, अगला, प्रिवेंट ड्रूपिंग ऑफ फ्रूट एंड लीव टू अर्ली बाय रिड्यूसिंग और कंट्रोलिंग द एब्साइशियन. मैं भी अभी आपको बताया पहले, क्योंकि एब्साइशियन लेयर अगर एक बार बन गई तो वो फिर लीफ को डिटैच ही करती है, तो ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है कि वो लेयर ना बने, एब्साइशियन प्रमोट ना हो और क्या हो, वो जो सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रहे, फ्रूट उस पर प्लांट पे बना रहे. अगला, प्रमोट नेचुरल डिटैचमेंट यानी कि जो एब्साइशियन है ऑफ ओल्डर लीव्स, नॉट यंगर लीव्स. ठीक है, जो ओल्डर लीफ है जिनका भी कोई काम नहीं है, फोटोसिंथेटिकली वो काम नहीं कर सकती, इनएक्टिव हैं, उनसे सारे न्यूट्रिएंट क्या कर लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं प्लांट्स के थ्रू. हाँ, इनको उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट रीमोबिलाइजेशन. उसके बाद में जो ओल्डर लीफ है उनके डिटैचमेंट को ऑक्सीजन क्या करता है, प्रमोट करता है. चलें आगे. ठीक है, अगला, अब बात आती है मार्केट में सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन कौन से अवेलेबल हैं और एंटी ऑक्सीजन क्या क्या हैं. ठीक है, तो चलो, ये सब आपने शायद एग्जांपल्स तो पढ़े होंगे बहुत बार, है ना, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, उसके बाद में फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, उसके बाद में 2,4-D 2,4-5-T, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, डिकम्बा, है ना, इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं, सॉरी IUPAC नेम, 2-methoxy 3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, इसको डिकम्बा बोलते हैं. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करोगे तो एन नेफ्थाइल फेलेमिक एसिड NPA जिसको बोलते हैं, और 2,3,5 ट्राइआयोडोबेंजोइक एसिड TBA, पढ़ा होगा ना बहुत बार. चलो, ये कॉमन है, यहां पे समझ आ गया. चलो, अब आगे क्या है, कुछ कमर्शियल या जो डेली जनरली यूज होते हैं ऑक्सीजन के यूजेस, वो मैंने यहां रखे हैं. फॉर एग्जांपल 2,4-D और 2,4-5-T, इसके एग्जांपल को, इसको 2,4-D और 2,4-5-T इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, एजेंट ऑरेंज, याद रखना. ठीक है, एज डिफोलिएंट फॉर सिट्रस इसको यूज करते हैं. ठीक है, समझ आ गया. प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप प्रिवेंशन, इसको कंट्रोल करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, 2,4-D एंड 2,4-5-T का एक मिक्सचर आप अप्लाई कर सकते हैं. इंटरेस्टिंगली आपने पढ़ा होगा कि 2,4-D और 2,4-5-T दोनों हर्बिसाइड की तरह भी यूज होते हैं, है ना. 2,4-D किसके लिए, नहीं नहीं मोनोकॉट या डाइकॉट, डाइकॉट्स के लिए, और 2,4-5-T मोनोकॉट्स के लिए. ठीक है, लेकिन अगर आपको इनको हर्बिसाइड की तरह यूज करना है, देन रिमेंबर आपकी कॉन्सेंट्रेशन अबाउट 200 ppm ही होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने इनकी कॉन्सेंट्रेशन आप रखते हैं कितना, 10-15 ppm, देन दे आर एक्ट एज फ्लावर ड्रॉप को प्रिवेंशन करना, फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंशन करना, फ्रूट थिनिंग करना यानी कि नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ाना, ये सब काम करने लगते हैं कौन, 2,4-D और 2,4-5-T. दैट्स व्हाई आई सेड हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन, प्लांट स्पीशीज, स्टेज, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. दे एक्ट इन अ डिफरेंट मैनर इन अ डिफरेंट प्लांट एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अगला, NAA और 2,4-D सेम फ्लावरिंग पर्पज के लिए हाईली यूज होते हैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन वही 10-15 ppm मैक्सिमम. उसके बाद में 2,4-5-4-D 4-chloro-2-methylphenoxyacetic एसिड जिसको MCPA बोलते हो आप, क्या बोलते हो, MCPA, और डिकम्बा जो अभी मैंने आपको पहले बताया. ठीक है, ये तीनों भी किस काम के लिए यूज होते हैं, एज अ हर्बिसाइड, बताया था हायर कॉन्सेंट्रेशन पे ना अभी अभी. NAA नेफ्थलिक एसिटिक एसिड जिसको आप बोलते हो, हेल्प टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रूट इन एप्पल ऑल्सो, याद रखो. हाँ, चलो आगे चले. ठीक है, अभी हम दूसरा प्लांट हार्मोन शुरू करते हैं, क्या है, जिप्रेलिन, है ना. जिप्रेलिन की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मालूम है, ये ऑक्सीजन से पहले डिस्कवर्ड हो गया था,
बट लोगों के सामने वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूके यूएसए साइड में ये कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ऑक्सिन से पहले तो कम से कम इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। कोई मेरे को बताएगा सोच के क्या रीजन हो सकता है? वर्ल्ड वॉर टू, जापान इन्वॉल्व था ना, है ना, पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया था, फिर बम झेलने पड़े, न्यूक्लियर बम। हाँ, ये एक्चुअली में ऑक्सिन से पहले ही डिस्कवर्ड हो गया था। इसके ऊपर स्टडीज भी हो चुकी थी जापानीज साइंटिस्ट के द्वारा, बट वो स्टडी कभी पब्लिश नहीं हुई इंटरनेशनली लेवल पे। उसके बाद में 1956 में जाके दो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, स्टोडोला और ब्राइन करके, उन्होंने पहली बार इसके साथ काम शुरू किया। बाद में पता चला कि काम तो पहले ही हो चुका है, जापानीज साइंटिस्ट इसका पहले ही काम कर चुके हैं। और बाद में 1961 के आसपास आई थिंक क्रॉस करके साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर डेवलप की जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अनऑफिशियली दिस इज द फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच इज डिस्कवर्ड, बट ऑफिशियली आपने अनऑफिशियली नहीं देखना, आपने ऑफिशियली देखना, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है पहले कि जापानीज साइंटिस्ट, क्या नाम है इनका, इचिकुरा सोवा। इन्होंने ही एक सब्सटेंस को ढूंढा, और वो कैसे ढूंढा, इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो राइस के फील्ड है, उन राइस के फील्ड्स में क्या हो रहा है, जो राइस प्लांट्स हैं वो अनयूजुअली ग्रो कर रहे हैं, टॉल, बस लंबे ही होते जा रहे हैं। तो इन्होंने उसको पहले तो कहा फुलिश सीडलिंग, फुलिश मतलब समझते हैं ना, पागल सीडलिंग। बाद में उन्होंने उस स्टेम से एक फंगस को आइसोलेट किया जिसका नाम क्या था, फेजेरियम मॉलिनिफॉर्मे, ठीक है। और जब उसको आइसोलेट किया उसके बाद में उन्होंने इस डिजीज का नाम क्या दिया था, बकानी डिजीज, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद में जब उन्होंने इसकी स्टडी किया और उसके बाद में उन्होंने इसको क्या नाम दिया, जिब्रेलिन, क्योंकि फंगस के नाम अब कहाँ गया आपका, जिब्रेला फ्यूजिकॉर्न नहीं है, इसलिए फंगस का नाम के ऊपर ही जिब्रेलिन नाम रख दिया। बाद में और भी एफर्ट्स हुए साइंटिस्ट के थ्रू जहाँ इसको आइसोलेट करने की कोशिश की गई, जैसे यबुटा और हयाशी, इन्होंने इसको आइसोलेट किया। साथ में जो फर्स्ट प्लांट वाला, मतलब ये तो अभी फंगस में ही चल रहा है सब कुछ, है ना, प्लांट के अंदर जो जिब्रेलिन सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया, हायर प्लांट फ्रॉम इमेच्योर बीन सीड्स, बीन समझते हैं ना, फैसियोलस वल्गरिस आपका क्रॉप, वहां उसके इमेच्योर बीन सीड से सबसे पहली रिपोर्ट जो है हायर प्लांट्स में वो यहीं पर है, ये है। तो जो स्ट्रक्चर है जिब्रेलिक एसिड की वो किसने दी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, क्रॉस ने, ठीक है, जो आपने स्ट्रक्चर अभी पहली स्लाइड में देखी थी। उसके बाद आगे बात करो कि जो जिब्रेलिन है वो नाम कहां से आया, यबुटा ने दिया, डिस्कवरी किसने की, कुरासोवा ने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब तक कितने जिब्रेलिक एसिड ढूंढे जा चुके हैं, अबाउ 100, ठीक है, बट अब मोस्ट एक्सटेंसिवली जो स्टडीड है वो GA1 हो गया, GA3 हो गया, GA7 हो गया, GA9 हो गया। नंबर वंबर कुछ स्पेशल याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम 1 से लेके 100 तक सिंपल नाम है, ठीक है, ऐसे अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं। तो अमंग इतने सारे GA जो मैंने अभी आपको बताए, जो सबसे मोस्ट एक्टिव बायोलॉजिकली फॉर्म है वो कौन सी है, GA3, ठीक है। और GA3 अगर आप के अलावा आप देखो प्लांट में, तो GA1, GA20, GA7, GA9 ये फॉर्म्स भी मिलती है। GA1 एक्सक्लूसिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्टेम इलोंगेशन के लिए, मैंने यहां ब्रैकेट में डाल दिया ताकि आपको तुरंत याद रहे, ठीक है। उसके अलावा GA बहुत सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जिनको रेगुलेट करते हैं, अभी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी आपको यहां एक मैंने आइडिया के लिए लिख दिया क्या क्या है, इलोंगेशन, जर्मिनेशन, उसके बाद में फ्लावरिंग, बोल्टिंग, रोजेट, ने अभी जो मॉर्निंग में आप हमने डिस्कस किया था वो सब। और अब बात करते हैं कि जिब्रेलिन, आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछ सकते हैं आई थिंक, मेरे हिसाब से जिब्रेलिन प्रिसीडर्स इज टर्पिनॉइड, GGP और एंड काउरिन, मतलब जिब्रेलिन किन से सिंथेसाइज होता है, बायोसिंथेसिस कहां होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बायोसिंथेसिस होता कहां है। सेम जैसे आप ऑक्सीजन के लिए पढ़े, सेम, कोई स्पेशल थिंग नहीं है। अगला बात, किससे सिंथेसाइज होता है, अगर आप प्रीकर्सर आपसे पूछे, जैसे ऑक्सीजन में क्या था प्रीकर्सर, ट्रिप्टोफेन और जिंक, है ना, हालांकि दोनों टाइप है, ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट भी थे, ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट भी थे, बट जनरली हम ट्रिप्टोफेन ही कंसिडर कर लेते हैं, ट्रिप्टोफेन समझ के, क्योंकि वो हायर प्लांट्स में जनरली मिलता है। यहां पर क्या है, टर्पिनॉइड्स, इसका मतलब है जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट या जेरेनाइल जेरेनाइल डाइफॉस्फेट, और एंट काउरिन, एंट काउरिन एक डिस्टिंक्ट फीचर है किसका, जिब्रेलिक एसिड का, एक रिंग होती है जो आपने भी स्ट्रक्चर देखा था, वो रिंग स्ट्रक्चर को एंट काउरिन बोलते हैं, ठीक है, ये इमीडिएट प्रीकर्सर है। और टर्पिनॉइड्स का मतलब क्या होता है, आपको
नेचुरल कंडीशंस में, नेचर में जितने भी रबर्स मिलते हैं, जितने भी आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं, वो सब के सब टर्पिनॉइड डेरिवेटिव्स हैं। जिब्रेलिन में कितने कार्बन हैं? अभी मैंने आपको बोला 20, तो इनको डाइटर्पीन्स बोलते हैं। अगर 10 कार्बन है तो टर्पीन, 20 कार्बन है तो डाइटर्पीन, 30 कार्बन है अगर किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर में तो उसको क्या बोल सकते हो? ट्राइटर्पीन बोल सकते हो। 15 कार्बन है तो क्या बोलोगे? सेस्किटर्पीन बोल देते हो। ठीक है, इस टाइप से एक तो डाइटर्पीन याद रखो, जिब्रेलिन को क्या बोलते हैं? डाइटर्पीन बोलते हैं। एंड काउरिनिन की स्ट्रक्चर में एक कॉमन फीचर है GGPP, यानी कि जनराइल पाइरोफॉस्फेट, इनका इमीडिएट प्रीकर्सर है। अगर आप प्रीकर्सर की बात करो तो ये सब सिंथेसिस किससे होते हैं? आइसोप्रिनोइड यूनिट। और आप आइसोप्रिनोइड यूनिट अगर देखो या एक टर्पिनोइड्स देखो तो ये और तीन दो हार्मोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला साइटोकाइनिन, किसकी बात कर रहा हूं? आइसोप्रिनोइड यूनिट की। ठीक है, आगे आ जाएगा आइसोप्रिनोइड यूनिट्स, साइटोकाइनिन, एब्सेसिक एसिड, जिब्रेलिन, ब्रेसिनिस्टेरॉइड। ठीक है, ये सब हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने के लिए टर्पिनोइड आइसोप्रिन यूनिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां जिब्रेलिन सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ हायर प्लांट इंक्लूडिंग शूट, रूट, लीव्स, फ्लावर, पेटल, एवरीवेयर। ठीक है, द एक्टिविटी इज ऑल्सो सीन इन प्लास्टिड्स। और हाईएस्ट अगर आपको एक्टिविटी देखनी है या हाईएस्ट अमाउंट आपको जिब्रेलिक एसिड की चाहिए तो वो मिलती है इमेच्योर सीड से, जैसे इसको आइडेंटिफाई किया गया था इमेच्योर बीन सीड से ना, फेसियलस वल्गरिस हमने बात किया था। ठीक है, प्लास्टिड। हाउएवर रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेन मच हायर अमाउंट ऑफ जिब्रेलिक एसिड देन वेजिटेटिव पार्ट्स, ये बात यहां लिखी हुई है। इमेच्योर सीड्स कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ सीड। ठीक है, मेज का, कॉर्न का, जो भी है सब। चलो, अब जिब्रेलिन का बायोसिंथेसिस कहां होता है? जैसे हमने वहां पढ़ा कि ऑक्सिन जो है वो दो तरीके से सिंथेसाइज हो सकता है, इधर फ्रॉम ट्रिप्टोफेन और फ्रॉम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। हाँ, तो ट्रिप्टोफेन से जब सिंथेसाइज हो रहा है तो चार डिफरेंट वे हैं सिंथेसाइज होने के, चार डिफरेंट पाथवेज चलते हैं। जिब्रेलिक एसिड के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पाथवे है लेकिन तीन डिफरेंट साइट हैं इसके सिंथेसाइज होने के लिए। जैसे कि आप देखो तो जिब्रेलिन इन प्लांट, जिब्रेलिन आर सिंथेसाइज इन एपिकल टिश्यूज एंड देयर आर थ्री मेजर साइट्स। पहला डेवलपिंग सीड एंड फ्रूट्स, वो आगे आके मैं बता देता हूं। थ्री डेवलपिंग सीड्स एंड फ्रूट, यंग लीव्स ऑफ डेवलपिंग एपिक्स एंड एपिकल रीजन। चलो, यहां पे आप देखो वही मैंने बात लिख ली पूरी जो अभी तक मैंने आपको बताया, दोबारा से यहीं पर है। जिब्रेलिन केमिकली आर रिलेटेड टू टर्पिनोइड्स हो गया। बेसिक यूनिट कौन सी हो गई? आइसोप्रिनोइड यूनिट। आइसोप्रिनोइड यूनिट का मतलब एक पांच कार्बन की स्ट्रक्चर, हाँ, चेन, पांच कार्बन की चेन। ठीक है, जब ये आइसोप्रिनोइड, दो आइसोप्रिनोइड यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या बनेगा? 10 कार्बन का टर्पीन, बोला ना, तो 10 कार्बन का क्या बना? टर्पीन। एक और आइसोप्रिनोइड यूनिट ऐड हो गई तो क्या बना? अभी तो बोला सेस्किटर्पीन, है ना, 15 कार्बन। 20 कार्बन हो गए, एक और आइसोप्रिनोइड यूनिट जुड़ गई तो डाइटर्पीन। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो बेसिक, जो मेन स्ट्रक्चर है इनके सिंथेसिस के लिए, दैट इज आइसोप्रिनोइड यूनिट या फिर जनराइल पाइरोफॉस्फेट, वो इमीडिएट प्रीकर्सर है। अब ये तीन डिफरेंट साइट हैं जहां पर ये सिंथेसाइज होता है। पहली साइट है प्लास्टिड, प्लास्टिड समझ रहे हैं ना, क्लोरोप्लास्ट नहीं बोल रहा हूं, प्लास्टिड, क्योंकि ये रूट में भी सिंथेसाइज होता है, लीफ में भी सिंथेसाइज होता है। लेकिन रूट में क्लोरोप्लास्ट होता है क्या? नहीं होता, वहां क्या होता है? अमाइलोप्लास्ट होते हैं, है ना। तो प्लास्टिड पहली स्टेज है सिंथेसाइज होने की, यानी कि आपका, अगर आप देखो इस आइसोप्रिनोइड यूनिट या एसीटेट से ये पाथवे शुरू होता है और एसीटेट से लेके एंट काउरिन बनने तक का जो स्टेप है, अभी बोला था ना एंट काउरिन भी बोलते हैं ना, एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है, वो इस स्टेप तक कहां पे होगा? प्लास्टिड में। फिर जो एंट काउरिन से लेके GA12 LD हाइड बनने तक का स्टेप है या जो प्रोसेस है वो कहां पर होती है?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और GA12 aldehyde से डिफरेंट GAs बनने का जो प्रोसेस है, GA9, GA1, GA3, GA7, जो भी मॉडिफिकेशन होने हैं, जो भी डेरिवेटिव डेवलप होने हैं, वो सब कहाँ होता है? साइटोसोल में. ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो आगे चलते हैं. ट्रांसपोर्ट, अभी हमने ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट की बात की थी, कैसा था? पोलार ट्रांसपोर्ट था ना, पोलार ट्रांसपोर्ट. ऑक्सिन दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों से ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी इसके ट्रांसपोर्ट को हम पोलार ट्रांसपोर्ट नहीं बोलते, नॉन पोलार ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, जीए आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट वाया नॉन पोलार ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और अगर आप इसके ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो ये फ्री फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बाउंडेड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. बाउंडेड फॉर्म समझ गए ना, किसी भी कंपाउंड से बाउंड हो सकता है. इधर जैसे यहां पे मैंने लिख दिया जिब्रेलिक ग्लाइकोसिडस, मतलब कोई भी कार्ब से ये कंपाउंड क्या बोलता है, बाउंड होता है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है बाउंडेड फॉर्म में. मेजर ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? नॉन पोलार मूवमेंट के थ्रू, फ्लोएम के. ठीक है, चलो यहां तक क्लियर? एक नोटबुक ले लो, ऐसा लिखो, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट, सेकेंड प्रीकर्सर, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा क्या लिखोगे, हाँ जो भी, उसके बाद में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, डीएक्टिवेशन, ये सारे ऐसे टॉपिक बनाओ हर हार्मोन के लिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. समझ गए, जल्दी याद हो जाएगा. चलो आगे बात करते हैं. डीएक्टिवेशन ऑफ जीए, जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन के लिए बताया क्या होता है डीएक्टिवेशन में, इधर ऑक्सीडेशन IAA ऑक्सीडेज के थ्रू या फिर फोटो ऑक्सीडेशन. ठीक है, सेम वे में जिब्रेलिक एसिड भी क्या होता है, डीएक्टिवेट होता है. कन्वर्जन ऑफ फ्री जीए इन देयर बाउंडेड फॉर्म सच एज जीए ग्लाइकोसिडेस और ईस्टर्स. मैंने बोला ना फ्री फॉर्म एक्टिव फॉर्म होती है, जैसे IAA में मैंने बताया था फ्री फॉर्म, यहां ये बाउंड हो गया कंपाउंड से तो अब इनएक्टिव हो गया ना, जब तक ये फ्री फॉर्म में नहीं होगा काम नहीं कर सकता. एक और कंपाउंड है याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, जिबरथियोन, इसको फार्बिटिक एसिड भी बोलते हैं, और इसको एक तरीके से जीए का डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड भी बोलते हैं. ये सिंथेसाइज हो जाता है तो एक तरीके से जीए अपने जो भी फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं प्ले करने वाला है, जो भी उसकी केमिकल नेचर है वो लूज हो जाती है. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जिबरथियोन या फार्बिटिक एसिड बोलते हैं. ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ जीए एक्शन अगर आप देखो, यानी कि वही, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है उतना. हाँ, अब इनकी बात कर लेते हैं, जो क्या है, जिब्रेलिन इनिबिटर्स, जो जिब्रेलिन के ग्रोथ को, जो भी वो फंक्शन क्रिएट करता है, उन सबको क्या करते हैं, या तो रिवर्स कर देते हैं या इनिबिट कर देते हैं. डायरेक्ट है, नाम याद कर लो, फॉस्फोंडी, साइकोसिल, CCC, AMO1618, एनसाइमिडॉल और पिक्लोबिट्राजॉल, है ना. ये फ्लावरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, किधर, फ्लावरिंग इंडस्ट्रीज में, पॉइंसेट वगैरह, क्राइसेंथिमम वगैरह जो आपके हैं वहां पे होता है. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, रेस्पॉन्सेस को डिले करने के काम आता है, इनिबिटर है जिब्रेलिक एसिड का. यहाँ लिखा हुआ है CC यूज इन फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ फ्लावर क्रॉप सच एज क्राइसेंथिमम एंड पॉइंसेट. ठीक है, अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं. फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन क्या क्या है, पहला फंक्शन बोल्टिंग, सुबह मैंने आपको आई थिंक डिस्कस किया था बोल्टिंग, मैं एक और बार आपको बता देता हूं. जनरली क्या होता है, जब रोजेट स्टेज में होता है प्लांट तो कुछ टाइम के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद, उसमें से एक फ्लावर स्टॉक निकलती है, स्टेम एलोंगेट होना शुरू होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं. तो जिब्रेलिन क्या करता है, कैन बी मेंटेन यूजिंग द जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट, बोल्टिंग. उसके बाद डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, अगर कोई सीड बहुत लंबे टाइम से डॉर्मेंट है आप उस पर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दो, इट इज रेडी टू जर्मिनेट. एब्सेसिक एसिड इस केस में जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिकली काम करता है. ठीक है, आप जिब्रेलिक एसिड अगर स्प्रे करते हैं तो सीड जर्मिनेशन होता है, लेकिन अगर आप ABA एब्सेसिक एसिड प्रमोट करते स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, डॉर्मेंसी मेंटेन रहता है ना. जिब्रेलिक एसिड प्रिकॉशियस जर्मिनेशन, नाम सुने आप लोग कभी, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन नहीं सुने? मैंग्रूव्स जानते हो, मार्शी स्पॉट में, वेस्ट बंगाल में, हाँ सुंदरबन एरिया में जो मैंग्रूव्स होते हैं वो कैसी कंडीशन में ग्रो करते हैं,
सॉल्टी कंडीशन में ग्रो करते हैं ना, तो अगर उनके सीड को आप सोइंग करने जाओगे दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि वो सीड जर्मिनेट हो पाए. तो वहां उस केस में क्या देखने को मिलता है, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन. कैसे होता है, सीड जब मदर प्लांट से अटैच होता है उसी टाइम जर्मिनेट हो जाता है. व्हेन द सीड इज जर्मिनेट व्हेन इट इज स्टिल अटैच टू द मदर प्लांट, उस केस में क्या होगा, एब्सेसिक एसिड लगभग ना के बराबर होगा ना, क्योंकि एब्सेसिक एसिड का काम क्या है, सीड को डॉर्मेंट बनाए रखना, है ना, और जिब्रेलिक एसिड का काम क्या है, सीड को जर्मिनेट करना. तो मैंग्रोव्स के केस में क्या होता होगा कि जिब्रेलिक एसिड बहुत ज्यादा हायर अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन एब्सेसिड लगभग ना के बराबर है. तो वो क्या होता है, ये ऐसा मान लीजिए एक प्लांट है, ये उसका फ्रूट है, ये यहीं पे जर्मिनेट हो जाता है, यहीं से आपका प्लूमेल निकल जाता है, यहीं से रेडिकल निकल जाता है, और एक दिन सडनली यहाँ से ब्रेक होता है और सीधा वो मार्शी तो एरिया होता है दलदली, सीधा धस जाता है, बस हो गया जर्मिनेशन. तो मैंग्रोव्स में ये देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं प्रिकॉशियस जर्मिनेशन. हाँ सॉरी, वीवीपेरी, यस यस, वीवीपेरी और प्रिकॉशियस जर्मिनेशन इसको बोलते हैं. ठीक है, मैं मिस्टेक कर गया, सॉरी, थैंक यू. चलिए अभी आगे बात करते हैं. डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई, उसके बाद में जर्मिनेशन इंक्रीज हो गया, ये अभी आपको मैंने बता दिया, और लीफ एक्सपेंशन, लीफ की ग्रोथ को प्रमोट करना. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. अब आगे बात करते हैं हाइपोनेस्टी ऑफ लीफ. हाइपोनेस्टी और एपिनेस्टी समझते हैं, एपिनेस्टी हाइपोनेस्टी, इस टाइप की ग्रोथ और इस टाइप की ग्रोथ लीव्स की. अगर क्या हो रहा है, जीए ट्रीटेड लीव्स ऑफ क्राइसेंथिमम प्लांट होल्ड्स देयर लीफ मोर इरेक्ट, मतलब हाइपोनेस्टी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड. ठीक है, फ्लावरिंग इंड्यूस इन लॉन्ग डे प्लांट्स, अभी हमने मॉर्निंग में देखा था जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस करता है. रिक्वायरिंग कोल्ड इंडक्शन ऑल्सो प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर, ऑक्सीजन क्या कर रहा था, फीमेल फ्लावर, और जिब्रेलिक एसिड मेल फ्लावर. बाकी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट जो ऑक्सीजन में भी आपने पढ़ा था और जिब्रेलिक एसिड में भी पढ़ रहे हैं. लेकिन जिब्रेलिक एसिड में क्या होता है कि ये पोलन जर्मिनेशन भी प्रमोट करता है, थॉमसन सीडलेस, ब्रिंजल, ग्वावा, जो ये सब वेराइटीज हैं ग्वावा की, ब्रिंजल की, मैंगो की, इन सब में क्या करता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है. ठीक है, फ्रूट सेटिंग इंक्रीज करना, फ्रूट ड्रॉप को ज़्यादा इफेक्ट नहीं है जितना ऑक्सीजन का है. ठीक है, उसके बाद में स्टेम इलोंगेशन, अभी आपको मैंने पहले ही बोला था. ठीक है, कमर्शियल यूजेस, माल्टिंग ऑफ बार्ले, जो ब्रीविंग इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे मार्ले को बाल्ट करने के लिए जिब्रेलिक एसिड की जरूरत होती है. एल्फा माइलेज की एक्टिविटी को यह हार्मोन क्या करता है, सीड में सीड जर्मिनेशन के टाइम पे एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, एल्फा माइलेज एंजाइम. ठीक है, एल्फा माइलेज एंजाइम अगर एक बार एक्टिवेट होता है तो वो क्या करने लगता है, जो भी सीड के पास स्टोर फूड मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन शुरू करता है. उसका ब्रेकडाउन शुरू होता है, वो सिंपल फॉर्म्स में आते हैं तो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है. इसीलिए एल्फा माइलेज की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, जिब्रेलिक एसिड, और इसीलिए इसका यूज कहां करते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में बार्ले को माल्ट करने के लिए. इंक्रीज शुगर केन यील्ड, अगर आप जिब्रेलिक एसिड इथिलीन के साथ कंबाइन करके एक स्प्रे देते हैं देन इट इंक्रीज द शुगर केन यील्ड ऑल्सो. ठीक है, जूस कंटेंट स्पेशली. उसके बाद में फ्रूट प्रोडक्शन के लिए आपको ये मिक्सचर यूज करना है जिसको क्या है, GA4, GA7 और BA, है ना, मेंजाइल एडेनिन, टू स्टिम्युलेट द फ्रूट साइज इन एप्पल. साथ में ये GA4 और GA7 का मिक्सचर ही सीड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. जो भी सीड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है वहां मेलनेस को इंड्यूस करने के लिए जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं. ठीक है, चले आगे. ये आप यहाँ पे इमेजेस में देख ही रहे हो, फ्रूट साइज ग्रेप में ये बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, आप लोग जानते ही हैं. ठीक है,